तो आज हम बना रहे ओरियो केक विदाउट ओरियो बिस्किट। कैसा लगा मेरा मजाक? किडिंग, बट जो अब बोल रहे हो ना वो बिल्कुल मजाक नहीं है। एक्चुअली जो आज मैं ओरियो केक बना रही हूँ ना, सिर्फ तीन चीजों से बन रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? तो सही सुना आपने, मैं बस आज सिर्फ तीन चीजों से बनाऊंगी। बहुत मजेदार सी रेसिपी, वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करना, अपनी बिस्किट है ना उसकी जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको अलग करना है, जो क्रीम है उसको सेपरेट करना है। सो गाइस, एक एक करके हम सारे क्रीम को सेपरेट करेंगे और बिस्किट्स को अलग करेंगे। अब क्या करना है, ये जो बिस्किट है ना उसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से बारीक बारीक हमें ग्राइंड करना है ना, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसे थोड़ा सा ब्लेंड करना है। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, थोड़ी दूध डालना है, फिर इसे ब्लेंड करा। अगर एक साथ दूध डालेंगे तो लम्स हो जाएगा, मीन्स लम्स पड़ जाएंगे। फिर जो हमने क्रीम जो सेपरेट करके रखा था ना, अब यहाँ ऐड करेंगे। फिर थोड़ा दूध डालेंगे स्पैचुला से, थोड़ा मिक्स करेंगे, सेम प्रोसेस, फिर ब्लेंड करेंगे। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो ना कि सिर्फ तीन चीज़ों से कैसे बना रही हूँ केक इतनी आसान? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। गाइज, बहुत इजीली तरीके से बहुत टेस्टी हम केक बनाएंगे। बट गाइज, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करो और नीचे दिए हुए जो रेड कलर का बटन है ना उसे ग्रे कर दो। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो इसे, जितने हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। नीचे दिए हुए जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें जाके कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी थी। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताना। अब ना 1/4 टेबलस्पून हम लोग यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे फिर लास्टली हम लोग इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा स्पैचुला से हेल्प से इसे क्या करना है, फोल्ड कर देंगे हमारे बैटर को। और अब केक टिन में हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। तो उससे पहले बटरिंग कर लेंगे आप अपने केक टिन को और ये जो बैटर बना के रखा था इसमें डाल देंगे। ऑलमोस्ट मैंने केक टिन में बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया। अब एक लास्टली हमें क्या करना है, टैप टैप कर लेना इस तरीके से, सो दैट जो बैटर है वो पूरी तरीके से अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे माइक्रोवेव में डालेंगे और बेक करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इसे बेक कर लिया, अब इसे चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे और हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब यहाँ यूज़ करेंगे आप चॉकलेट स्प्रेड या न्यूट्रेला और इन सारे केक में स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट को। अब ऊपर से थोड़ी सी बिस्किट की, थोड़ा सा बिस्किट को ग्राइंड करके रखा था ना वो डाल देंगे और हमारा केक बनकर तैयार है। हैव फन। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।